यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज द स्टोरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन साउथ अफ्रीका, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन साउथ अफ्रीका, एट दैट एंड बिफोर दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी वॉज देयर. सो दिस इज अ स्टोरी हाउ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका वॉज प्रिपेयर्ड एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू नेल्सन मंडेला. तो हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन, आप इस अगर 1 मार्क क्वेश्चन है ना तो यू कैन राइट एनी लाइक एनी किसी भी तरह से लिख सकते हो. हु वॉज नेल्सन मंडेला? अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, सोर्स बेस्ड का मतलब होता है पैराग्राफ इज गिवन एंड यू हैव टू राइट. देन अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपने बताना है दैट नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और यू कैन टेल नेल्सन मंडेला ही फॉट फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका. क्लियर? एंड विच चार्ज वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन नेल्सन मंडेला? क्या चार्ज लगाया था उनके ऊपर? ट्रीजन. ट्रीजन मीन्स देशद्रोह का, जो लुई 16 पे लगाया था. क्यों लगाया था? बिकॉज एट दैट टाइम ही फॉट ब्रेवली फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक पीपल. बिकॉज एट दैट टाइम डिस्क्रिमिनेशन वॉज देयर एंड एनी काइंड ऑफ ऑपोजिशन वॉज नॉट अलाउड बाय द ब्लैक पीपल. सो नेल्सन मंडेला ही स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड ही वर्क विद द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द काइंड ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्लैक पीपल. सो दैट्स वाई चार्ज ऑफ ट्रीजन उनके ऊपर क्या लगा दिया गया था? चार्ज ऑफ ट्रीजन. एंड हाउ मेनी इयर्स इज स्पेंड? 28 इयर्स. वेरी गुड. और इनको कहां पे इम्प्रिजन किया गया? रॉबेन आइलैंड. रॉबेन, RoBBEN, रॉबेन आइलैंड. ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नोट करो. ठीक है? हु वॉज नेल्सन मंडेला? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. देन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज लगाया था? ट्रायल कौन सा हुआ था उनके ऊपर? क्या लगाया था? ट्रीजन. ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि अपनी ही कंट्री में उन्होंने व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो काइंड ऑफ रिवोल्ट किया था, जिसके कारण उनको पनिशमेंट हुई. लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद की सजा. कितने साल के लिए? 28 ईयर्स. कहाँ पे इनको भेजा गया? रॉबेन आइलैंड. किसके अगेंस्ट? क्या किस सिस्टम को अगेंस्ट? किस सिस्टम के अगेंस्ट थे वो? क्या थी अपार्टहाइड पॉलिसी? रेशियल सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस. ठीक है, कंट्री भी कह सकते हो. इनके अकॉर्डिंग इन साउथ अफ्रीका बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पीपल वर लिविंग. नंबर 1, व्हाइट. व्हाइट का मतलब जो टोटली व्हाइट, व्हाइट मेजोरिटी है ना. सेकेंड वर टोटली ब्लैक, नीग्रोस. एंड थर्ड थे मिक्स रेस. मिक्स हम इंडियंस जो हैं, हम इंडियंस को क्या कहते हैं? हमारा कॉम्प्लेक्शन उनके लिए ब्रिटिश होता है, तो वो हमें क्या कहते हैं? मिक्स रेस. मिक्स रेस कहते हैं ना ब्लैक ना व्हाइट, है ना. तो मिक्स रेस यानी कि हमें इंडियंस जो थे उस टाइम पीरियड में, बच्चे आप अपनी बुक में देख सकते हो एक डेंजर जो है वो साइन है यहाँ पे, एक डेंजर साइन है ना यहाँ पे देख सकते हो आप. एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेटिव्स. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेटिव्स. नेटिव्स कौन? नेटिव्स कौन? जो साउथ अफ्रीका के सिटीजन थे. कौन सिटीजन? इंडियंस. इंडियंस एंड कलर्ड. कलर्ड मतलब इंडियंस को कलर्ड ही कहते थे, कलर्ड पीपल. इफ यू एंटर दीज प्रीमाइसेस एट नाइट, यानी कि सम एरियाज वर रिजर्व फॉर व्हाइट पीपल, और उनके उन एरियाज में ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे और नीचे लिखा हुआ था यू हैव बीन बॉर्न, कि अगर तुमको यहाँ पे देखा गया, किनको देखा गया? नेटिव, इंडियंस या कलर्ड, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग. यानी कि आपको किस लिस्ट में डाल दिया जाएगा? मिसिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा. आर्म गार्ड शूट ऑन साइट. आपके ऊपर क्या क्या किया जाएगा? शूट ऑन साइट. देखते ही आपको शूट कर दिया जाएगा.
सेव हिज डॉग्स डिवोर द कॉप्स, या फिर आपके ऊपर क्या छोड़ दिए जाएंगे, डॉग्स। तो आप खुद सोचो कि उस टाइम पीरियड में सम एरियाज सेग्रीगेट का मतलब होता है सेग्रीगेट कर देना, अलग कर देना। सम एरियाज वर सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेसेस, दीज एरियाज वर रिजर्व, और उन एरियाज के ऊपर ऐसे साइन बोर्ड लिखे होते थे। और अगर गलती से भी कोई इंडियन वहां पे चला जाता होगा या ब्लैक पीपल वहां पे चले जाते होंगे तो उनके साथ क्या होता होगा, ये जस्ट एक आप साइन बोर्ड पढ़ के ही समझ सकते हो। इसके अलावा एक और साइन बोर्ड है आपकी बुक में, डर्बन बीच। डर्बन बीच यानी कि बीच वर आल्सो रिजर्व फॉर वाइट एंड वीआईपीज, यानी कि उस टाइम पीरियड में जो वाइट पीपल थे उनके लिए उनके बीच भी अलग होते थे, चर्च भी अलग होते थे, इवन उनके हम ये कह सकते हैं कि उनके वर्शिप प्लेसेस या चर्च या मार्केट प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस जो है वो भी सेपरेट होते। इवन आप ये खुद सोचे कि क्रिमेशन, क्रिमेशन जो है वो भी उनकी सेपरेट होती होगी। तो कितना ज्यादा उस टाइम पीरियड में डिफरेंट या जो है वो सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन करते थे। गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लीगल, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ये लीगल थी, एंड दिस सिस्टम वॉज केम टू बी नोन एज अपार्टहाइड सिस्टम, एंड एट दैट टाइम मैनी पीपल दे अपोज दिस सिस्टम। इवन आपको पता है महात्मा गांधी जी भी जब साउथ अफ्रीका में थे, ही वॉज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक दैट, उनको भी ट्रेन से निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम, एक तो वो गुलाम कंट्री से थे एंड मिक्स रेस यानी कि कलर्ड रेस थे, चाहे उनके पास फर्स्ट क्लास जो है उसका टिकट भी था बट स्टिल ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। एंड 1914 में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, देन महात्मा गांधी केम बैक इन इंडिया और वो अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वो इंडियंस का हाल देख चुके। ठीक है, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला का इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है अपार्टहाइड पॉलिसी को अपोज करने का। तो वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्टहाइड? अपार्टहाइड वॉज अ नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट वॉज प्रैक्टिस बाय व्हाइट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। 17th और 18th century, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि 17th और 18th century में जैसे हमारी कंट्री को यूरोपियंस ने ऑक्यूपाई किया था, ऐसे ही साउथ अफ्रीका को भी यूरोपियंस ने ऑक्यूपाई किया। लेकिन इंडिया यानी कि 1947 में हमें तो फ्रीडम मिल गई और यूरोपियंस छोड़कर चले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस वहीं पर ही रहे और वहीं पर रहकर उन्होंने अपनी अलग से अपार्टहाइड पॉलिसी बनाई ताकि ब्लैक और वाइट पीपल को सेपरेट किया जाए। एंड इसके बाद फिर हमने बताना है अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी। सिंस 1950 मेनी पीपल दे गैदर्ड देमसेल्व्स एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मेन ऑर्गेनाइजेशन और जिसके अंडर बहुत सी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी इसका नाम क्या था, ANC। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC? African National Congress, ठीक है? Several leaders they worked under this organization, लेकिन इनके leader कौन माने गए? Nelson Mandela. और जब government को ये पता लगा कि Nelson Mandela जो है वो active participate कर रहे हैं, then he was charged, उनको charge कर दिया गया, कौन सा charge? Charge of treason. And he spent 28 years in Robben Island jail. अच्छा, इसके बाद जब उनको जेल में डाल दिया गया ना, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैनी पीपल दे वर एक्सप्लॉइटेड, दे वर टॉर्चर, दे वर किल्ड। ठीक है, उनको मारा भी गया। आपने बच्चे 6th-7th में एक स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है, 6th-7th में एक स्टोरी पढ़ी होगी। इस स्टोरी में हेक्टर पीटरसन जो है उन्होंने अफ्रीका में, यानी कि जब साउथ अफ्रीका का टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में स्टडी करने के लिए जो है अपनी डिमांड रखी थी कि वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर जो है वो दूसरी लैंग्वेज जो है इम्पोज कर। बट एट दैट टाइम ही वॉज किल्ड। उनकी डिमांड क्या थी कि जस्ट उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहते थे। तो एट दैट टाइम मैनी पीपल वर किल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज ड्यू टू दिस अपार्टहाइड पॉलिसी। और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपार्टहाइड पॉलिसी का क्रिटिसिज्म होने लगा। इवन यूएसए में भी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया, आपको याद होगा कि कई बार क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका जाने से मना कर दिया
बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कलर. फिर टाइम एक ऐसा टाइम आया जिसमें साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को अपार्टहाइड पॉलिसी को क्या करना पड़ा, खत्म करना. और उसके बाद कंट्री यानी कि कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाने के लिए एक नया जो है वो डिसीजन लिया गया. इन द मीन टाइम नेल्सन मंडेला की पनिशमेंट भी खत्म हो गई थी. ही केम आउट, जब वो बाहर आए तो मैनी पीपल दे वर्शिप हिम एज अ गॉड. वो उनको गॉड की तरह उनको पूजा करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इन्होंने हमारी जो है कम्युनिटी को सेव किया है, हमारी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस किया. देन इलेक्शंस में ही कंटेस्ट आल्सो, और इस इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला ही वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स. और डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट हुआ कंट्री में. एंड उसके बाद 26, ये देखो इंपॉर्टेंट डेट, 26 अप्रैल 1994 न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड. जैसे हमारे लिए 15 अगस्त 1947, उनके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट डेट, 26 अप्रैल 1994 वॉज द इंपॉर्टेंट डेट फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका व्हेन न्यू नेशनल फ्लैग रिपब्लिक यानी कि साउथ अफ्रीका को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, रिपब्लिक. और इसके बाद इट टुक 2 इयर्स टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन. आपको सोचो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना होगा, 94 to 95, 95 to 96. कब बना कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, 1996. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम आनी थी, पहले तो अपार्टहाइड सिस्टम था, ब्लैक वर डिस्क्रिमिनेटेड विद द व्हाइट. अब किसका रूल था, किसका रूल था, ब्लैक पीपल का रूल था ना. तो अब ये डिसाइड किया गया कि जो व्हाइट ने ब्लैक के साथ किया वो ब्लैक व्हाइट के साथ नहीं करे. सो दैट्स व्हाई दे यू कैन से एक्सेप्टेड दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच विल बी गिवन, व्हिच शुड बी गिवन इक्वली टू बोथ द कम्युनिटीज. नो डाउट दोनों कम्युनिटीज में से ब्लैक ने ज्यादा सर्वाइव सेक्रीफाइस किया या ज्यादा उनकी लाइफ हार्डशिप थी, बट स्टिल दिस टाइम दे डिसाइडेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट शुड बी गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल द कम्युनिटीज. कोई भी कम्युनिटी हो उनको इक्वल राइट्स मिले. एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. फाइनेस्ट का मतलब क्या होता है, दोनों ही कम्युनिटीज ने बैठकर, व्हाइट और ब्लैक ने बैठकर कुछ जिसमें कहते हैं कि जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट थे या जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया गया. एंड विद दिस वी कैन से दैट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री वॉज चूजन. ठीक है, और उसके बाद ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो पॉलिसी थी वो हमेशा के लिए खत्म कर दी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका की टीम में आज व्हाइट भी हैं और ब्लैक प्लेयर्स भी हैं, व्हाइट प्लेयर्स भी हैं, ब्लैक प्लेयर्स भी, तो बोथ हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल द काइंड ऑफ इवन, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी एक्टिविटीज. क्लियर, तो इन दिस वे वी कैन से दैट नो डाउट टाइम तो लगा बहुत, लेकिन कंट्री जो है सफर भी किया लोगों ने, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड में साउथ अफ्रीका एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, और काफी हद तक अपार्टहाइड सिस्टम जो है उसको लीगली अबॉलिश कर दिया था. ठीक है, ये तो था सारा साउथ अफ्रीका का पार्ट. अब आ जाइए, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाँ, बुक ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री गवर्न्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक लॉज, rules and regulations according to which any government can govern. किसी भी country की government के लिए, democratic government के लिए constitution का होना बहुत जरूरी है. अगर constitution नहीं होगा, अच्छा हर game के लिए rules and regulations होते हैं, cricket के अलग होते हैं, hockey के अलग होते हैं, football के अलग होते हैं, rules and regulations नहीं होंगे तो क्या होगा, क्या होगा rules and regulations. अच्छा suppose अगर आप बच्चे boys हैं, आप भी क्रिकेट खेलते होगे ना, तो आप भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते होगे, ठीक है, आउट कहाँ पे है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज वैसे तो नहीं होती, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाते होगे कि हाँ जी यहाँ तक बॉल गई तो ये 4 होगा, यहाँ तक ये 6 होगा, तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हो. रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि डिस्प्यूट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो. इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनकी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न फॉर्म में बनाया गया है, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको प्रॉपर क्लियर हो.
क्योंकि लोग चेंज हो जाएंगे, लीडर चेंज हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहे, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन से नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नीड में हम और क्या बता सकते हैं, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में होता तो मैंने आपको सारा डिटेल में करवाया था, लेकिन शॉर्ट में सिर्फ याद रखो कि हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट, ट्रस्ट मेंटेन रहे बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए काम करें। देन गवर्नमेंट को पता होगा, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, 5 साल के बाद लीडर चेंज हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो लोग गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं हमारी कंट्री की मेकिंग, नेक्स्ट हेडिंग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू पेज 45, साथ में बुक रखो जरूर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने 1 मार्क के अकॉर्डिंग ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स ईयर्स लर्न करने और उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ना बच्चे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लर्न करें, ठीक है। अब सबसे पहले आप सब बच्चों को पता है कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इंप्लीमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950, ये ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। लेकिन बना कब इसके लिए, 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले ही बन गया था लेकिन डेट की गई 26 जनवरी, सॉरी 9999, ठीक है। अब आ जाओ उससे पीछे, इससे पहले हमारी असेंबली कब बनी थी, 1946 को बनी थी, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो बैकग्राउंड था वो स्टार्ट हो गया था। और उससे भी पहले अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी डिमांड किसने रखी, नहीं, 1928 मोतीलाल नेहरू, कौन थे, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू 1928, सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी। और इनके साथ प्लस 8 अदर मेंबर्स, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर मेंबर्स, दे वांटेड टू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, रिटन फॉर्म में लिखना, दे वांटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में लिखना चाहते थे ताकि इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना करें, क्योंकि इससे पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, रॉयल एक्ट हुआ था, तो इंडियन जो थे वो फ्रीडम चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे, सो दैट्स व्हाई दे डिमांडेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटेक्शंस फॉर इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया, क्योंकि इस टाइम पे में ब्रिटिशर्स का रूल था ना, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट ईयर जो है 1931, बेटा हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का ना सेशन होता था, तो 1931 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये कराची, कराची जो कहाँ पे है, पाकिस्तान, कराची सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया कराची में 1931। उस सेशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन की गई, ठीक है। नंबर 1, हु डिमांडेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मोतीलाल नेहरू, विच पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन विच सेशन वाज हेल्ड इन कराची, कौन से ईयर में हुआ था, इन विच ईयर 1931, या प्लेस भी आ सकता है, कौन से प्लेस में हुआ था, ठीक है, कराची, ओके। अब इसके बाद 1931 के बाद ब्रिटिशर्स को ये लगा, यस ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जो इंडियंस हैं ये बहुत ज्यादा जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो एक नए लॉ को बनाने के लिए, एक
नया जिसम कहते हैं काइंड ऑफ लॉ बना एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, एक्ट ऑफ 1935 बना, जिसमें इंडियंस को फर्स्ट टाइम राइट दिया गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन पूरी कंट्री के लिए नहीं, सिर्फ कुछ एरिया के, ठीक है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव एरिया जो छोटे छोटे एरिया होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट टाइम 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कब हुए, 1937, पहली बार कंट्री में इलेक्शन हुए थे ब्रिटिशर्स के अंडर 1937 में, एंड मैनी इंडियंस ने पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन, मैनी इंडियंस ने पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन एंड दे वन एंड दे बिकेम मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इस तरह से इंडियंस को सबसे पहले लॉ बनाना, लॉ को कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्कशन होती है, कैसे डिबेट होता है, ये पहले से ही पता था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनको पहले से ही देवर फेमिलियर टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशन। फिर से याद रखो 1928 में डिमांड स्टार्ट हुई, लेकिन उस टाइम फिर में इसको फॉलो नहीं किया गया। 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से डिमांड रखी, ब्रिटिशर्स को अपनी डिमांड्स बताई कि हमारी कंट्री के लिए, इंडियंस के लिए कुछ इंडियंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उसके बाद कुछ फ्रीडम मांगी गई, देन एक्ट ऑफ 1935 गेव इंडियंस राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एंड फर्स्ट टाइम कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए 1937 में, इन विच मैनी इंडियंस दे टू पार्टिसिपेट एंड दे वन दे कंटेस्ट द इलेक्शंस आल्सो, ठीक है। 1937 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था, जिसमें सबसे पहले इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री मिली। अब वो ब्रिटिशर्स को कॉपी करते थे कि वो लॉज कैसे बनाते हैं, और धीरे धीरे उनको लॉ बनाने की प्रैक्टिस जो है वो कैसे लॉ बनाए जाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, वो शुरू से ही। और उसके बाद फिर हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, 1946। लेकिन इन बिटवीन क्या हो गई, डिवीजन 1947 कुछ देर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया ड्यू टू राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड आफ्टर दैट जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, देन अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस वॉज स्टार्टेड, एंड फाइनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड ऑन, बन चुका था 26 नवंबर 1949। अब आप ये कहोगे कि मैम वेट क्यों की गई, 26 जनवरी की वेट क्यों की गई, व्हाई, बिकॉज इस दिन की इंपॉर्टेंस जो थी 1930 जब मिस्टर मोतीलाल ने ना कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी ना, और उसके बाद इन बिटवीन 1930 जब ब्रिटिशर्स इंडियंस की डिमांड्स को नहीं मान रहे थे, उस टाइम पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने जो है एक पूर्ण स्वराज का स्लोगन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन लिया, पूर्ण स्वराज। उन्होंने कहा कि जब तक ब्रिटिशर्स हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देते, हम अपनी कंट्री के लिए ऐसे सेक्रीफाइस करते रहेंगे, एंड दे डिक्लेयर 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंस डे, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे रावी रिवर गए, वहां पे उनके कांग्रेस पार्टी के बहुत से फॉलोअर्स थे, पानी को हाथ में रख के उन्होंने प्लेज लिया कि जब तक हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं दिलाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस दिन सभी लोग जो थे उनके साथ उन्होंने पानी को हाथ में लेकर प्लेज किया था, रिवर रावी, रावी रिवर के पास। इस डे को हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बनाने के लिए Our constitution was prepared on 26 November 1949, but it was implemented on 26 January 1950, ताकि इस important date जो है, उसको याद किया जाए। No doubt हमें independence कब मिली, 15 August, लेकिन 26 January को importance देने के लिए our constitution was implemented. Finally कब came into force, 26 January. Clear? It is clear? Yes,
इसके अलावा हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात की जाए तो कौन से रेवोल्यूशन का बहुत जो है इम्पैक्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर, राइट डाउन थ्री मेन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उनके ऊपर किसका बहुत इम्पैक्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, लिबर्टी इक्वालिटी ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी, देन रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस, रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसए, यूएसए का क्या है, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्लोरियस रेवोल्यूशंस। तो हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर इनका इंपैक्ट था। तो इन्होंने इन कंट्रीज में लोगों की क्या डिमांड्स थी, क्यों लोगों ने वहां पे रेवोल्यूशन किया, उन डिमांड्स को भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया ताकि हमारी कंट्री में लोगों को वो डिमांड्स दी जाए ताकि लोग कभी रेवोल्यूशन ना करें। ठीक है, दैट वॉज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट, ये तो अकॉर्डिंग वन मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से याद रखो, नंबर वन 1928, नंबर टू 1931, देन 1935, 1937, 1928 को क्या हुआ था, मिस्टर मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की डिमांड की थी। 1931 में कराची सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसमें फिर से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी गई। इन बिटवीन 1930 को क्या हुआ, 26 जनवरी प्रपोजल ऑफ पूरन स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1935 में एक्ट पास किया, इंडियंस को कुछ फ्रीडम दी ताकि इंडियंस को पैसिफाई किया जाए ताकि वो रिवोल्ट ना करें, एंड 1937 में फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कंट्री में करवाए गए और लोकल लेवल के ऊपर इंडियंस को मेंबर्स बनाया गया और लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो है वो सिखाया गया। इसके बाद हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी वो असेंबली कब बनी, 1946, और प्रिपेयर कब हुआ, 1949, लेकिन केम इनटू फोर्स मतलब फाइनली कब इंप्लीमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950। तो ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट असेंबली के बाद, इसमें से भी अकॉर्डिंग टू वन मार्क क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द चेयरमैन। अब ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज जो हो जाते हैं, आपने दो मेन नेम याद रखने हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, एंड चेयरमैन अलग याद रखो ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कंप्लीट हो जाए, प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सेम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब इस असेंबली की एक छोटी सी कमेटी थी जिस कमेटी में कुछ मेंबर्स थे, उनका मेन काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में लिखना। दैट इज व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने सारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है रिटन फॉर्म में तैयार करवाया। Who was the chairman of drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. First, law minister. Thank you, madam.